ये देखो कितनी प्यारी बना और रोने लग गया। भाई अभी 5-10 मिनट मिला ना, एक भंडी इंसान मिला, भंडी जिसके हम बात पीछे भी कर रहे थे। क्या मेरी में ना हिम्मत नहीं हो रही, दारू के नशे में क्या क्या बोलता हुआ जा रहा है। बट इसे साइड करना तो पड़ेगा। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है छत से, और यहाँ पे है दुष्यंत आंटी, है यहाँ पे, हाँ जी आंटी वहाँ पे, और यहाँ पे जुलू। आज का मौसम देखो भयंकर, आज का मौसम है सारा बारिश वाला, हवा चल रही है। बस आज हमें एक गुजारिश थी आंटी से, बोलो अगर आंटी आलू प्याज की पकौड़ी बना देती। हाँ बना दूंगी। यस आज आलू प्याज की पकौड़ी पसंद है तुम्हें? पकौड़ा होगा। सुबह का नाश्ता 12 बजे, साथ ही एकदम लंच आंटी कहती 1 बजे जल्दी भात खाओ। जब ऐसे नहीं, हम लोग उठेंगे, आंटी बोलते चलो नाश्ता बना देती हूँ, नाश्ता खाएंगे, अच्छा खाने में क्या बनाऊं, चलो अब खाना खाने आ जाओ। हम लोग शाम के स्नैक्स हो जाते हैं हमारे बार, मोमोज। आंटी मोमोज बहुत दिनों से नहीं खाए, आज खाएंगे। कितने दिनों? आंटी पता कितने दिनों से? 2 दिनों से। 2 दिन बहुत दिन। आंटी पता कितने दिनों से? 2 दिनों से। आज कौन आने वाले? अंकल। आज के व्लॉग में आपको अंकल को मिलेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग सबके सभी मिस करते हैं अंकल को। क्या करें, ड्यूटी है ना, ड्यूटी भी तो करनी। अंकल आएंगे आज शाम को, बाकी हैप्पी धनतेरस सबको। और हैप्पी दिवाली आंटी एडवांस में। अंकल जी ने गुलाब किसके लिए लगा रखे यहाँ पे? लगा रखा हूँ, किसी ने किसी के लिए लगा रखा है। आंटी आपकी कुछ बता रही है। आंटी ने सारे रोज संभाल के रखे हैं जितने जितने अंकल ने दिए। बाकी आज अंकल आ जाएंगे, सब घरों पे लड़ियां लग गई, हमारे घर पे भी लड़ियां लगेंगी। देख रहे हमारे पड़ोसी लगाएंगे। नहीं आज अंकल आ जाएंगे तो आज लड़ियां लगाएंगे। और धनतेरस की शॉपिंग क्या ला रहे हैं आंटी आज धनतेरस पे? वहीं जाके बताएंगे। एक तो सबसे अच्छा होता है झाड़ू लाना, फूल झाड़ू और सींग झाड़ू, तो वो तो लेकर आएंगे ही। बाकी अब देखते हैं क्या आएगा। अच्छा अंकल आएंगे तो अंकल के साथ शॉपिंग करने चलेंगे मस्त। अंकल नहीं जाएंगे तो आंटी जाएगी, हम लोग हैं अंकल को भी लेके जाएंगे। बाकी भैया तो बिग बॉस के घर में मनाएंगे दिवाली। पहले समोसे लेके आओ भैया के लिए, चाय बना रही मैं। ओ हाँ भैया, जो हमारा स्नैक टाइम हो गया ना, देखो समोसा टाइम हो गया ना हमारा। आंटी ने ये नहीं बोला कि अपने लिए समोसे लेकर आओ, आंटी ने कहा उन भैया लोग के लिए। अभी देखना तुम ये इस चीज का लोग रिकॉर्ड लेने जाएंगे, समोसे भी जो मोमोज की दुकान पड़ती है वहां से मोमोज खाए जाएंगे और फिर समोसे आएंगे। आंटी कहेगी ना बेटा लेट कहां हो गए, कहेगी आंटी वो बना रहे थे ना इसलिए। और ट्विटर पे आप लोग को पता है बीबी किंग का कॉन्टेस्ट फिर से आ चुका है, तो जाओ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ क्लिक करना और हैशटैग बीबी किंग बाबू भैया, बीबी किंग बाबू भैया स्पैम कर दो। हैशटैग बीबी कैपिटल लेटर, किंग का के कैपिटल, बाबू का बी कैपिटल, भैया का बी कैपिटल, स्पेस XYZ123 कुछ भी लिखना। जाओ जिताना है भाई इस बार भी भैया को, बाकी प्यार दिखाओ, हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपको। बाकी आप लोग को नीचे का काम दिखाते, नीचे कितना काम हो गया। किचन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, हो गई किचन कंप्लीट हो गई, अभी बाहर हो रहा है, फिर पूजा का कमरा आएगा। बाकी आने दो दूलू कुत्ता, अभी बस नीचे चल के आपको दिखाते हैं। पूरी धूल धूल हो रखी, आंटी ने तो झाड़ू मारा किचन में, सफाई कर दी। गाइस काम हो गया है किचन का काम, अभी किचन में लाइट नहीं है क्योंकि स्विच सारे निकाले हुए, बाकी किचन पूरी ऐसी लग रही है। अभी यहाँ पे लकड़ी का काम होना है, पूरे ड्रॉर्स वगैरह बनने, अब लग रही है किचन। अब भैया खुद से आएंगे, ये पंखा भी चेंज करना, ये वाला पंखा भी चेंज होएगा, इतनी अच्छी किचन में पुराना पंखा भी चेंज होएगा। पुरानी चीज भी तो होनी चाहिए, नई चीज में नहीं, तो किचन तो वैसे तो नहीं है ना, बस टाइल्स को चेंज हुई है ना, तो ये भी चेंज होएगा सब कुछ। चिमनी नहीं आएगी, कल मन्नू भैया को चिमनी नहीं मिली थी, आज देखेंगे आज दोबारा चिमनी लेंगे नहीं। बाकी चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से फटफट। और गाइस यहाँ पे भी चल रहा है काम, ये वाले टाइल्स रह गई थी तो भैया ये वाले टाइल्स लगा रहे हैं, ये पूरी आज लग जाएंगी। उसके बाद आज एक और काम है, हम लोग को देहरादून भी जाना है काम से, क्योंकि हमें कुछ सामान लेकर आना है, आप लोग को पता है मीट करने गए थे एक दिन, तो उस चीज के लिए दोबारा जाना है, तो मैं और दुष्यंत जाएंगे, बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस हम लोग पैक करा रहे हैं समोसे और कचौड़ी, आज भी लोगों को समोसे खिलाएंगे क्योंकि आज धनतेरस भी है तो अच्छा लगता है। तुम क्या खाओगे? क्या खिला रही हो? जो तुम बोलो। चलो फिर एक काम करो, रसमलाई करा दो। एक रसमलाई, कचौड़ी और समोसे पैक करा रहे हैं। मैं भी घर जाऊंगी आज ही, तो कल तो जाऊंगी घर। कल मैं ना चुपके चाप भैया को रिकॉर्ड करके मेडल बांध दूंगा, जब एक गले बैठी होगी ना आपके 200 रुपए हो गए, लाओ 1 किलो मिठाई के। 10 रुपए की नहीं आती भाई मिठाई। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, समोसे लेके आंटी को देते हैं। आंटी चाय पी ली क्या भैया ने? ऐसा मत बोलो, समोसे आ गए। आंटी बाजार चलेंगे, इतनी मस्त सजा रखा ना पूरा मार्केट। कहाँ से लेके आती हूँ? गाइस दुष्यंत जा रहा है घर, क्योंकि दुष्यंत दिवाली पे जा रहा है घर। क्या लेकर आओगे घर से? अच्छा बिना बाय बाय करे देखा कितनी जल्दी में जा रहा है, ये जा रहा है घर।
देख रहा हूँ कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। नहीं रोक रहे, नहीं रोक रहे, जाओ। ओके मेरी बहन, बाय बाय, चलो मिलते हैं। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? फोड़ना पटाके अपने पे मत फोड़ना। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? इसने एक लड़ी अपने ऊपर ही लगा के फोड़ लिया खुद को। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? आंटी के हाथ के कुछ भी बना के लेकर आना। दिवाली के लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बारिश स्टार्ट हो गई गाइस, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आंटी देखो कितनी जल्दी जल्दी भागी। गाइस बारिश स्टार्ट हो गई, देखो बारिश, वाओ बारिश। एक ही कपड़ा था मेरा। आंटी भागी तो इतनी तेज़ी से पता नहीं कितने कपड़े होंगे। कितने कपड़े थे आंटी? औरों के भी होंगे ना, एक ये था मोटा है ना, सूखा ही नहीं, बाकी सूखे। और इसका आंटी को पता भी नहीं था यहाँ डाला हुआ है। वहाँ था मैं डाला हुआ, यहाँ पे कहाँ से आ गया? क्या मस्त मौसम हो गया हमारा, देखो चिड़ियाओं को। अभी हर्ष भैया आ चुके हैं, हर्ष भैया का कॉल आया था क्योंकि दुष्यंत तो घर चला गया, तो अब हर्ष भैया आ रहे हैं। हर्ष भैया आएंगे यहाँ पे, फिर हम चलेंगे कहीं बाहर। आप तो घर पे ही हो? मैं तो घर पे, मेरे साथ भी तो जाएगी शाम को। हाँ, आंटी के साथ भी जाएंगे शाम को क्योंकि कल मुझे घर जाना है। तो क्या बोल रहे थे आंटी? वहाँ देखो उसका सारा कहाँ है। क्या हुआ सैंडी? मुझे लग रहा था ये बाहर जाने के लिए कर रही है इसलिए मेरे पास आ रही है। वहाँ देखो इसका शक्ल किस तरफ है। क्या हुआ सैंडी? अब देखने का, इससे ना बिस्किट दिख रहे हैं, लेकिन ये इतनी समझदार है ना, प्लेट चाय बिल्कुल इसके बगल में रखी होगी, ये खाएगी नहीं, ये तब तक नहीं खाएगी जब तक इसे खुद उठा के नहीं देंगे। अब देखना सैंडी, अब देख रहे सैंडी बैठ गई। What is up bro Sena, welcome back to new vlog। Basically अभी शाम हो रही है और मैं ना सो गया था कल रात को, सुबह उठ के वापस से कुछ काम कुम में गया था, then दोबारा सो गया था। So अभी ना रात को हम starting this vlog। So पिछले दो तीन दिन से आप लोगों को पता है we are going again and again, क्योंकि घर पे काम चल रहा है, chimneys वगैरह अब तक ले नहीं पाए थे, आज जा रहे हैं फिलहाल कुछ और चीजें देख लें and hope so इस बार ही मिल जाए। वेलकम बैक गाइज, अभी वापस हम आए हैं बजाज। दो तीन दिन से मुझे पता है हम यहीं पे घूम रहे हैं भाई, सामान ही नहीं मिल रहा है। एंड सच में भाई दिवाली के टाइम पे जो चमक धमक रहती है ना, दैट इज क्रेजी भाई। लाइक ये लाइट्स वगैरह देख के इतना एनर्जेटिक फील होता है ना, मैं भी सो के उठा था आफ्टर दैट, मेरे को ना थोड़ी सुस्ती आ रही थी, बट भाई वापस जो ये लाइट लुइट देख के इतना कॉन्फिडेंस, इतना एकदम से बता नहीं सकता, मैं खुश तो हो चुका हूँ भाई। अभी ना वॉशिंग मशीन इधर आ जाए, यहाँ में कोई नहीं देखेगा। गाइज अभी ना मैं ब्लॉग से इतना वो नहीं हुआ हूँ, तो मैं ना कोने ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे लोग ना देख पाए। एक कोना तो मिल गया गाइज, यहीं पे ब्लॉग करते हैं। अभी ना वॉशिंग मशीन ले रहे थे, तो वॉशिंग मशीन में कह रहे हैं कि ये वैसी वॉशिंग मशीन है, इस पर थोड़े कपड़े धो के डालो उसके बाद वो धुलेंगे। 50% तो फिर वॉशिंग मशीन का क्या काम है? 50% अगर धोना है तो मैं पूरे नहीं धोऊंगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, वॉशिंग मशीन की चीज की है तो पता नहीं क्यों मुझे ये कंपनी वाले समझ में नहीं आया भाई। ये वॉशिंग मशीन वाला अगर कोई मेरी बात सुन रहा है ना भाई, अगर 50% हमें धोने हैं तो हम 100 क्यों नहीं धो सकते, मुझे ये बताओ। बाकी गाइस पानी रख सकते हो या फिर भाई उसमें पूरा आदमी आ सकता है। देखो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो कुछ नहीं है, देखो जिसको समझना है समझ लो। अरे ये बढ़िया है, देखो आपका कभी गला खराब हो जाए तो आइए और यहाँ से ले जाइए एक नया गला मात्र 50 रुपए में। अभी ना मेरी एडिटर से बात चल रही थी, एक्चुअली जो रील्स एडिट करता है भैया वगैरह की, तो लाइक वो मेरे से छोटा है, लाइक मैंने उसे मैसेज करा भाई प्लीज ये वाली रील को ऐसे एडिट कर देना, तो मेरे मुंह से 2-4 बार प्लीज निकल गया होगा। तो बंदा मेरे को मैसेज करके बोलता है, मैं आपको बता देता हूँ, कह रहा कलम भैया प्लीज आप प्लीज मत कहा करो, प्लीज आप बस काम बता दिया करो, मैं कर दिया करूंगा, प्लीज आप प्लीज ना कहा करो, प्लीज आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, आप प्लीज मत कहा करो प्लीज। इतना प्लीज प्लीज हो गया ना गाइस, अंकल आ गया, देखो इसकी खुशी देखो कैसे भागी अंकल का आवाज सुन के गाड़ी। सैंडी देखो ना कैसे आई भागती हुई, अंकल नमस्ते, या देखो ना कैसे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अबे यार चलो चलो चलो, अच्छा अंदर तो आने दो, हमें यार ठंड लग रही, इतने गर्मी चल रही, आज गर्मी वहाँ दिखा दी मैंने। आज अंकल का कुछ वो था क्या, मीटिंग वगैरह? तुम्हारा लड़का वहाँ गर्मी दिखा रहा, तुम वहाँ दिखाओ, सबको गर्मी चाह रखी है, गर्म हो रखे वो देखो, ये यहाँ मिलने को गर्म हो रखे।
वो उस वाले उधर थी आंटी, वहाँ से भागती है। मैंने गेट इतना सा खोला था, अरे खोल के आ गया। चलो पहले अंदर चलते, नहीं जाना कुछ नहीं। धनतेरस में आया, धनतेरस पे मिला है जिला विज्ञान महोत्सव 2023 के अंकल विजेता रह चुके हैं। प्यारा गिफ्ट एक और है, दिखाओ अंकल के। देखो खूब सारे बच्चे मिले थे, एक छोटा बच्चा आया है, बहुत छोटा। ये उस बच्चे ने अपने आप बना रखे बाबू भैया की फोटो, ये देखो कितनी प्यारी बना रही है और रोने लग गया। हाँ। छोटे बच्चे ने बनाई है, अच्छी लग रही है भाई। मेरी हाँ। तरफ से और हमारे पूरे, देखो सारे लोग कितने खुश हो रहे हैं, बहुत प्यारी बना रही है। आप लोग को पता है अंकल आते हैं तो इन्हें बहुत जरूरत होती है इसकी। ये देखो कैसे इंतजार में खड़े हुए, ये खानी है। और अंकल आए ना इतनी खुशी होगी उन्हें कि हमें वो मिलेगा, चीजें मिलेगी। अब देखो इनके, ये देखो पहले कौन बैठता है, बैठता कौन है, पहले कौन बैठा है? आज सैंडी बैठी, पहले जुलू नहीं बैठा, अब जुलू भी बैठ गया। ये लो ले सैंडी, ये कौन है, ये लो कितने खाने हैं, जितने अभी तक हम मैं और आंटी ना अकेले थे कि क्या करें क्या करें, और अब देखो सब आ गए। और ये देखो कौन आया, बड़े बड़े ब्लॉगर्स इन द टाउन। मनु भैया व्लॉग को हाय तो कर दो। और देखो एक और व्लॉगर इन द टाउन, देखना क्या शर्माना, देखना शर्माना, देखना हाय 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 शर्मा, माय गॉड। ब्लॉक करो ऐसा हमारे जैसा, इनके थोपड़ों से तो व्यूज आ ही नहीं गाइस, वोट मेरे के तो आए थे बट। और गाइस आज सब लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, यहां देखो क्या ले रहे हो आप, हम ले रहे हैं गाइस बीबी किंग का ताज चौथी बार। पर पर सुनर सब ध्यान रखना, भाई दूज आ रहा है रक्षाबंधन पे, तो इन्होंने स्पॉट्स दिए थे मैंने, कहा है वो, ये भी दी थी आपने, तब से इसका बुरा वक्त चल रहा है। आए मेरे पे कह रही मैं करूँ क्या आज के हाथ से ब्लॉग। रंग क्यों बेच रहे हैं, ये रंगोली नहीं बना बनेगी क्या, रंगोली बनाने के लिए। परसों सोच रहा हूँ ये रंग क्यों बेच रहे हैं, आपको पार्टी दिखाओ सबको। अच्छा अब सर पे मारूंगा वो भाई। दारू के नशे में क्या क्या बोलता हुआ जा रहा है, अरे गाली देते हुए जा रहे गाइस, इग्नोर क्योंकि नशा कर रखा है उसने। हैप्पी दिवाली गाइस, लव शूट पे जरा समझा लो, लव यू यार ब्रो, बड़ी गाइस हम लोग फिर से आ गए उसी शॉप पे सामान लेने। आंटी क्या क्या लेना है अभी, अभी देखती जा। पूजा का सामान ले रहे हैं, आंटी ने थोड़ा सा सामान ले लिया, बाकी थोड़ा सामान बचा है वो ले रहे हैं। गाइस मॉडिफिकेशन देख लो भाई, अभी 5-10 मिनट मिला ना एक भंडी इंसान मिला, भंडी जिसके हम बात पीछे भी कर रहे थे भाई। बंदा मेरे पे आके बोलता है डकैत भाई को जानते हो, फिर उसके बाद बंदा कहता है कि डिवाइन भाई को जानते हो, मैं उनके साथ घूमता हूँ, उनपे है बीमर है उनपे, और उसके नंबर प्लेट पे लिखा रहता है 00 और मैट ब्लैक, और मैं चलता रहता हूँ। वो बंदा मेरे को कहता है भाई नहीं यार, भाई नहीं यार, ये तो शूट भी हो गया, फैन हो गया। हाँ यार इंस्टा पे फॉलो करते हो, फोन दूंगा अगर वो वाले रील नहीं आती। गाइस हम लोग सारा सामान लेके पहुंच चुके हैं घर, और अब देखो सारा सामान निकलेगा, निकालो जल्दी जल्दी सारा सामान, इनसे मैं ऐसी काम कराऊंगी, ये मेरे से बहुत काम कराते हैं ना, जल्दी जल्दी सारा सामान निकालो। तुम ये पकड़ो, ये मोर ऐसे नाचता है, इन्हें ना किसी दिन बहुत मारना, उमेश को तो सच्ची में बहुत मारना पड़ेगा किसी दिन। गाड़ी को लॉक करेगा, गाड़ी तुम लॉक करोगे, मैं क्यों लॉक करूं, अरे चाबी। गाइस ये लोग इतने तेज है ना, मुझे ना जान पूछिए पागल बनाते रहते हैं, रुक जाओ तुम लोग। और ये देखो मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया है, ये आ तो मुंबई से गया था लेकिन मेरे पास नहीं था, तो आज ये मेरे को मिल गया है। जो मुझे परेशान करेंगे ना उसके इसके सींग मारूंगी ऐसे करके। गाइस हम लोग अंकल का सामान दिखा रहे हैं, जो जो हम लोग लेकर आए हैं। अंकल सामान देखो, मम्मी वो थाली में ना दाल नीचे नीचे गिरती रहती थी, तो मैंने कहा ये प्लेट में बच्चों के लिए लाए, ठीक है ना, भारी भी है। हाँ, थाली देख भारी है, देख एक बवे के लिए, एक डोवाली के लिए। गाइस सारा सामान आ गया है, ये देखो कल लाइट्स भी लगानी है, मेरे को नहीं आती लाइट्स लगानी, मैं तो कल वैसे भी घर जा रही हूँ। सैंडी सैंडी उठ जाओ, हाँ जी कल मैं दिवाली के लिए घर, ये देखो ले रही है, थोड़ा सा काम करते हैं ये लोग और सो जाते हैं। यहाँ देखो मेरे भाई को सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे, रील अपलोड कर रहा हूँ अभी। देखा इतना काम है इनकी जिंदगी में, बाकी अभी एपिसोड स्टार्ट हो गया है, देखते हैं अभी। चलो आंटी एपिसोड देखते हैं, एपिसोड देख रहे हैं। हाँ। पर नेट नहीं आ रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा, बोर्ड मना कर रहे हैं गाइस, वाईफाई नहीं चल रहा है, वाईफाई देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया ये हमारे साथ। आंटी चेक कर रही है कि देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। गाइस पोपट हो गया, पोपट हो गया, घर में आया है पोपट ही हो गया, घर में आए पोपट हो गया, बिग बॉस ही नहीं चल रहा है, फोन में चलाते हैं, फोन का नेट इतना है फोन चलाएंगे। गाइस मन्नू भैया जा रहे हैं फ्लैट पे, हमें यही छोड़ के गई नहीं, हम अब खाना बनाएंगे, बहना को छोड़ के हम अब खाना बनाएंगे।
कल व्लॉग में व्यूज नहीं है, कल वाले व्लॉग में सब देखना, अब नहीं देखा ना तो देखना कल अपनी व्लॉगिंग स्किल्स। What's up guys? Hello. So guys, अभी हम गए थे Dovela shopping करने। Hello. 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 वहाँ पे भव्या का एक best friend मिला हमें दारुआज। भाई हमें बताना भूल गया था भाई, वो मिला दारुआज मिला मेरे को। कह रहा डिवाइन घूमता है कॉलेज शीशे में, सिर्फ 00 लिखा रहता है। अगर आपको मिलाऊंगा कि मैं, फिर भव्या पे लाइन मारने लग गया। दारूबाजी मिले लाइन मारने के लिए। कह रहा बहन बहन भव्या कर रही हूँ। किसी ने अपना नया झाड़ू का रैपर फेंक दिया होगा, उसने वो रैपर उठाया और उसको पुराना झाड़ू मार दिया, पुराना झाड़ू कर दिया, अब पुराना झाड़ू बेच रहे हैं वहाँ पे। कह रहा है आपका है कि मेरे हाथ में है, मेरे से पैसे मांगने लग गया। कह रहा मैं आपसे भीख मांगता हूँ की मार्केटिंग स्किल्स गाइस, मार्केटिंग स्किल्स। मैं बोल रहा था वो झाड़ू ले, मैंने कहा मेरे हाथ में है भाई झाड़ू। वही था वो, वही था वही था। चलो गाइस आज का व्लॉग करते हैं खत्म। गाइस बीबी किंग वापस आ चुका है, सो # बीबी किंग बाबू भैया ट्विटर के पोस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे कॉमेंट कर देना भाई। एंड तब तक के लिए ब्रो से ना बी सेफ एंड राइड सेफ और पुईन। चलो गाइस इन्हें बोलते हैं बाय बाय क्योंकि मंदू भैया जा रहे हैं फ्लाइट पे। वाओ लाइट खुली है गाड़ी की, अभी तो खोली मैंने। ना ज्यादा बनने लगे बताऊंगी रे मैं, किसी दिन ना पिटना मत मेरे हाथों से, समझ रहे हो। कलमिंग टीम तो पंगा मतलब बता रहा हूँ। तुम ना अगर बाबू भैया टीम से पंगे लिए ना, अगर बाबू भैया और कलमिंग की बहन से पंगे लिए तुम कहीं से भी गायब हो सकते हो तुम। भैया तो गायब होने वाली है देखो कुछ दिन हुए। सो गाइस हम ना अभी हाईवे में जा रहे थे, आई थिंक पीछे ना एक जानवर है ना जो मर रखा है, और मेरे ख्याल से किसी गाड़ी वाले ने या बाइक वाले ने ठोका हुआ, एंड नाउ ना वो रोड पे पड़ा हुआ है। सो आई डोंट नो ही इज अलाइव और नॉट, बट मेरे ख्याल से वो मर ही चुका है। आंखें चमक रही थी, मेरे को लगा कुछ सांप है या कुछ तो होगा। टू बी ऑनेस्ट मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि मणि वाला नाग होता है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चमक रहा था एंड पीछे बॉडी दिख रही थी। आई थिंक वो कोई एनिमल है जो मर चुका है, बट आई नो राइट नाउ। अभी ना हम बैक में देख रहे हैं यहाँ पे, बट हमें पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि ना मेन हाईवे है, गाड़ी हम ना पीछे नहीं जा सकते हैं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उसे साइड कर देता हूँ यार। एंड गाइस प्लीज जो भी हाईवे में चलता है, आई नो मेरे भाई ने भी ना बहुत बार बोल रखा होगा, बट जब भी आप हाईवेज में चलते हो ना प्लीज जानवरों को देख लिया करो यार, उनकी भी लाइफ होती है। सो वहाँ पे चलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरे को ना एक्चुअली दिख भी नहीं रहा, रात बहुत हो चुकी है। भाई ये ना मर चुका, मर गया क्या? अरे जंगली वो कहते हैं। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसे मत चलाया करो। मर गया क्या उमेश? बट इसे साइड कर देते हैं क्या? मेरी में ना हिम्मत नहीं हो रही। मैं ना बहुत लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं ना बहुत सॉफ्ट दिल का हूँ इन सब चीज़ों में, बट इसे साइड करना तो पड़ेगा यार, इसे साइड करना पड़ेगा उमेश। गाइस हम सोच रहे हैं इसको साइड तो कर ही देते हैं, भाई हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही। जिंदा तो नहीं है, गर्दन से उठाना, आराम से उठाना। उठा भी देता बट फिर से ना उठाया नहीं जा रहा था, जैसे तैसे करके मैंने उसे उठा के साइड कर दिया। पहले हम सोच रहे थे कि उसको लाइक जमीन में गाड़ देते हैं लाइक एक प्रॉपर वो करके। आई होप लाइक उसकी आत्मा को शांति मिले। एंड गाइस प्लीज हाईवे में थोड़ा ध्यान से चला करो, बिकॉज जानवर की भी जान होती है। दैट इज ऑल आई कैन से राइट नाउ।